फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का नंदिनी किचन में। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कटोरी आटा ले लिया है। हमने यहाँ पे गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है दोस्तों। इसके बाद अब इसमें नमक ऐड करें, नमक आप स्वाद अनुसार ले लें। अब इसके बाद हमने जिस कटोरी से आटा लिया था ना दोस्तों, उसी कटोरी से दही लेंगे, उससे हम बस 2 चम्मच कम लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, मुझे लग रहा है इसमें और पानी जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और ऐड करूँगी दोस्तों और इसका एक स्मूथ घोल बना के तैयार करूँगी। ये देखिए मैंने स्मूथ घोल बना के तैयार किया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए दोस्तों। अब इस घोल को हम साइड में रख लेते हैं। दूसरी तरफ हमने एक कटोरी ले ली है। कटोरी में हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था दोस्तों। इसके बाद बारीक ग्रेट किया हुआ एक छोटा सा गाजर। इसके बाद हमने थोड़े से बारीक चॉप किए हुए कैप्सिकम ले लिए हैं। बारीक चॉप किया हुआ एक छोटा सा टमाटर। इसके बाद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है दोस्तों। इसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते। अब सभी चीज़ों को हम एक चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिला लेंगे दोस्तों। ये देखिए अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इस मिक्सर को एक साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद हमने जो घोल बना के तैयार किया था ना आटे का, उसमें हम 1 टेबलस्पून फ्रूट सॉल्ट ऐड कर रहे हैं दोस्तों। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनेगा। अब सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इस टाइम पर आपका हाथ बहुत ही तेज़ चलना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट या इनो नहीं है दोस्तों, तो आप इसके जगह पे बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर दें। अब यहाँ पे मैंने एक तवा में थोड़ा सा तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके बाद हमने जो बैटर बना के तैयार किया है दोस्तों, वो हम इसमें 2 चम्मच ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसके बाद हमने जो सब्जियों को काट के रखा था वो हम इसके ऊपर से इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा नाश्ता कितना ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है। बच्चे जो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों, उन्हें भी आप ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी बना के दे सकते हैं, वो बहुत ही चाव से इसे खाएंगे। अब हम इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक के लिए पकने देंगे। इससे क्या होगा, सब्जियां अच्छे तरीके से ऊपर से पक जाएंगी। अब यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर से हमारा बैटर ड्राई हो गया है। इसका मतलब है ऊपर का जो लेयर है वो अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम इसे पलट के 1 मिनट तक के लिए सेक लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा जो नाश्ता है वो दोनों साइड से बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बना के तैयार किया है हम लोगों ने। इसे आप अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। आप इस रेसिपी को दोस्तों सॉस के साथ एंजॉय करें, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। बहुत ही मज़े की रेसिपी हम लोगों ने बना के तैयार की है दोस्तों। तो आप भी फटाफट से दे इस रेसिपी को एक ट्राई और अपने कमेंट्स और सजेशंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।